नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल दिस इज द पार्ट ऑफ वन एकेडमी। और आज जो आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है हिंदी ग्रामर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहते हैं, तो आइए इसके साथ आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं उस तरीके से सपोर्ट करता है जिस तरीके से आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो सेम कंडीशन वही फॉलो करना है जो सारी चीजें जो आप लोग जो है एग्जाम हॉल में फॉलो करते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन जो एक पेज पर दो क्वेश्चन है तो टिक लगाता चलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन चल रहा है अभी। क्वेश्चन आप लोगों का है घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा। तो घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट। क्या 170 तक हो गया था ना? हाँ चलिए, तो 171 से करवाना है। ओके, ऑप्शन सी घोड़ों की दौड़, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अजंत का संधि विच्छेद है, तो अजंत का संधि विच्छेद क्या है बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा जो है अच प्लस अंत है, इक्वल टू आप लोगों का होगा अजंत है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का सदैव प्रयुक्त संधि, सदैव जो आप लोगों का शब्द लिखा हुआ, सदैव में कौन सी संधि उपयोग की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए सदैव में कौन सी संधि उपयुक्त है। देखो आप लोगों का दिया है सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो सदैव जो आप लोगों का दिया गया है इसमें जो आप लोगों का संधि है सत प्लस एव करके होगा, इसमें आप लोगों का वृद्धि संधि होगा, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को हल्के से बताया था किस तरीके से आप लोग इनको वाक्यांश को सॉल्व करोगे। ठीक है, इसमें जो आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कीजिए भाई कौन सा आप लोगों का किस क्रम में किस तरीके से व्यवस्थित रहेगा। पहला आप लोगों का दिया गया भारतीय, अंतिम आप लोगों का दिया गया आदर सत्कार करते हैं, तो बीच के चार जो आप लोगों के इनको सेटलमेंट जमाना है। बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा इसमें आप लोगों का, जमा करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए। ओके, देखो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होना था वो सी वाला राइट आंसर था। क्या सिक्वेंस में किस तरीके से जाना है, भारतीय धनवानों और सत्ताधारियों की अपेक्षा विद्वानों बुद्धिमानों व साधु संतों का आदर सत्कार का ही अधिक अधिक जो है आदर सत्कार करते हैं, तो इस तरीके सीक्वेंस वाइज इनको जमाना था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये एमपीएसआई के क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ आप लोगों को दिख रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित शेष को उचित क्रम में, तो प्रथम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो आप लोगों का सिक्वेंस में है, बीच वालों को आप लोगों को अरेंज करना है ना। तो कीजिए भाई किस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है इनका। कॉस ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि इसमें जो स्वतंत्र भारत के बारे में दिया गया है तो भाई सब लोगों ने पढ़ा होगा स्वतंत्र भारत के बारे में, क्या कि ये वाला इसमें सी राइट आंसर होगा। लेबर मतलब ला वाला पहले आएगा, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों पर है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा भारत की उन्नति और उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है, इस तरीके से सीक्वेंस इनको जमाना था। ठीक है, अभी 9 क्वेश्चन हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दीप सा मन जल चुका है, दीप सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है, तो बताइए भाई वाचक शब्द इसमें कौन सा है। देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो सा, इसमें आप लोगों का ये राइट आंसर होगा ये वाला सा आप लोगों से पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अंबर पनघट डूबो रही तराघट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में आप लोगों का कौन सा अलंकार है, तो इसको पढ़ने का थोड़ा सा यदि रेगुलर पढ़ोगे तो आप लोगों को पढ़ना आएगा। क्या बोल रहा है, अंबर पनघट डूब रही ताराघट ऊषा नागरी, तो इसमें आप लोगों का पंक्ति में अलंकार कौन सा जो है दिया गया है। सबसे इजी है, मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। देखिए इसमें अंबर पनघट से डूब रही ऊषा नारी वाला जो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आप लोगों का रूपक अलंकार इसमें आप लोगों का होगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटी, तो भाई शुद्ध वाक्य आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा है आप लोग बताइए, भाई शुद्ध वाक्य आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा है। शुद्ध वाक्य जो इसमें आप लोगों का है वो है आप लोगों का हमें यह काम करना है। ठीक है, तो ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए, तो शुद्ध वाक्य में छांटने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ चीजों को आप लोगों को देखना है कर्ता के बाद कर्म है कि नहीं है। सेंटेंस इंग्लिश में आप लोग आसानी से छांट लेते हो, हिंदी में थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन फिर भी ईजी होता है। आप लोग नॉर्मल आप लोगों की मातृभाषा हिंदी है तो कोशिश कीजिए ना। बताऊँ
शुद्ध वाक्य छांटना है, तो किसी ने ए और बी लगाया। तो मान लीजिए लड़का ने पत्र लिखा, भाई लड़का ने पत्र लिखा, ये किसी भी लड़का ने पत्र लिखा, तो ये कोई एक सिंपल सेंटेंस भी नहीं है। लड़का ने पत्र लिखा, भाई लिखा तो ठीक है, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, या मतलब स्त्रीलिंग है पुरलिंग है, लड़का ने हो सकता है, लड़का नाम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीके से ये लिंग को भी दर्शा सकता है, तो ये भी डिफाइन नहीं है कि सब्जेक्ट है कि नहीं है। सेकंड वाले में यह कविता कबीर ने लिखा है, तो भाई यह कविता कबीर ने लिखा है, तो कबीर ने लिखी है, या तो यह कविता कबीर ने लिखी है, क्योंकि कविता जो आप लोगों का है वो स्त्रीलिंग है पुरलिंग है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। नीरज पत्र को लिखा, भाई नीरज पत्र को लिखा, ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, मतलब शुद्ध नहीं है, ये वाला शुद्ध है कि माला पुस्तक पढ़ चुकी है, तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है? तो देखिए कौन सा अलग है, देखो कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से अलग है, तो एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग में इसमें आपको बताना चाहूँगा। इसमें आप लोगों का डी वाला गहनता को दर्शा रहा है। अभी आप लोगों का देखो गति हो गया, चाल हो गया, ये कहीं ना कहीं निरंतरता को दर्शाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति ये, लेकिन ये वाला आप लोगों का निरंतरता को डिफाइन नहीं करता है, कंटिन्यूटी को, मीन्स चाल गति या चाल या मोक्ष प्राप्ति भी आप लोगों का जीवन का एक आधार होता है, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस वे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन गहनता आप लोगों का इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला आप लोगों का अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए, निम्नलिखित में से एक अर्थ चयन कीजिए, ठाकुर का मतलब दूसरा अर्थ क्या होता है, ठाकुर को और क्या कहते हैं? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा ठाकुर का मालिक राइट आंसर होगा, क्योंकि हम हमारे जो ठाकुर जी महाराज होते हैं जिनको हम झूलन में बिठाते हैं पल्ले में, जैसे कि मोस्ट ऑफ महाराज जो हमारे भगवान की अलमारी की बात करना चाहूँगा तो अलमारी में हम नॉर्मल रखते हैं सभी को, लेकिन ठाकुर जी महाराज के लिए स्पेशली झूला होता है, उसी में वो बैठते हैं ना, पालकी वगैरह होती है, तो फिर वो ठाकुर मतलब मालिक अन्नदाता है ना, मतलब वही हमारे सब कुछ खाते पीते वही हैं। इसीलिए पुराने गांव में क्या होता था कि मालिक मतलब कोई भी ठाकुर होता था, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो हमको खाने पीने के लिए देता है, तो उसे लोग वह ठाकुर बुलाया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, तो उस युग्म का चयन कीजिए जो आप लोगों का सही नहीं है। देखो अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, तो भाई बताइए अनुलोम विलोम एक तरीके से एक आयाम भी होता है, वो करते हैं ना हम योगा वगैरह जब अनुलोम विलोम, तो यहाँ पर तो अनुलोम विलोम का अर्थ लव है कि उसका विपरीत आर्थी शब्द का सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का दिया गया पुरस्कार, भाई पुरस्कार देते हैं फिर दंड दे देते हैं, तो ये आप लोगों का सही है। अच्छा पुरस्कार और पुरस्कृत आप लोगों का ये सही नहीं है, क्योंकि पुरस्कार देना और पुरस्कृत करना ये बात लगभग एक ही चीज़ को सम्मान को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाला जो सेट है वो आप लोगों का गलत हो रहा है, पाप पूर्ण पूरा अधूरा ये आप लोगों के सही है, क्योंकि आप लोगों को अपोजिट वर्ड ढूंढना था है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है, तो सही वाले का चयन करना है। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कोई एक युग्म सही है, तो युग्म सही है तो उसके बारे में बताइए, ये तो गलत है, क्योंकि देखो आप लोगों को अनुलोम विलोम चाहिए ना, ये कृष्ण काला तो वही कृष्ण जी भी वही होते हैं और काला भी वही होता है, कृपण और गरीब क्या होता है, लगभग गरीबी की सीमा में ही आते हैं, कोप और कृपा आप लोगों का राइट आंसर हो, कोप होता है प्रकोप मतलब दूसरे पर अत्याचार करना, प्रकोप प्रकृति का प्रकोप है, शब्दों को हम जेन्युइन यूज करते हैं तो उनमें से ले लिया करो उसको। ठीक है, जैसे कि कोप, कोप शब्द जो आया है, प्रकोप शब्द जो आया है वो कोप से आया है, और कृपा जो आई है, कृपा तो आप लोग जानते हो किसी का भी आशीर्वाद या किसी का हाथ या कोई हमारा सपोर्ट करता है तो महाराज आपकी कृपा है, बस इस तरीके से कहते हैं ना, तो वो आप लोगों की कृपा हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, विनय व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो फिर से सुन लीजिए, विनय व्यंग्य उपहास ये हिंदी की चीजें हैं, तो किसको व्यक्त किया जाता है आप लोगों का, कौन सा चिन्ह बताया जाता है ये बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा विस्मय होगा, विस्मयादिबोधक। उपहास होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास, या जैसे आप लोगों ने गहन हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें वह ऐसा करने के बाद उपहास का पात्र बना, तो इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग क्या, मतलब हंसी का पात्र बना। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का वी विस्मयादिबोधक आप लोगों का राइट आंसर होगा। अच्छा खंड काव्य कौन सा है, और खंड काव्य आप लोग बता दो तो इसके राइटर भी बता देना कौन है, है ना, कमेंट करके। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होगा पंचवटी,
पंचवटी के लेखक हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त, और जिनका जन्म झांसी के पास एक चिरगांव पड़ता है, चिरगांव शायद किसी ने सुना हो, तो वहाँ पर उनका जो है जन्म हुआ था। और बहुत ही अच्छे से इनके जन्म दिवस को आज भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है, उस रस का नाम बताइए। तो माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है, तो आप लोगों का माधुर्य गुण जो आप लोगों का है वो किस रस में प्रयोग होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, ऑप्शन बी के साथ इसमें आप लोगों को जाना है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि जब रस के सभी, क्या बोल रहा है, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो बताइए भाई उस स्थिति को क्या कहते हैं, क्या हुआ रवीना? देखो, जब रस के सभी संघटक तत्व तो अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो साधारण वाक्य हो जाता है, और क्या, आनंदीकृत तब होता था, उसमें रस प्रयोग होता, या कोई ना कोई चीज डली होती, छंद होते, तो इन सब चीजों को क्या है आप लोग नहीं कहते, साधारणीकरण जब हो जाता है जब उसमें कोई भी संघटक तत्व तो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें आप लोग का है, क्वेश्चन ये रहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बात की जा रही है, रुकिए थोड़ा सा, एक उमेश जी का कॉन्टेक्ट नंबर ले लूँ। सभी लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए जो भी व्हाट्सएप में ऐड होना चाहते हैं। और एक और बार जो है बोलना चाहूँगा, ये आप लोगों का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो काव्य रचना है वो जूही की कली, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, वी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भीम साहिनी का उपन्यास निम्न में से है, तो भीम साहिनी का उपन्यास निम्न में से कौन सा है ये बताइए। भीम साहिनी उपन्यास निम्न में से है, तो भीम साहिनी उपन्यास आप लोगों को बताना है निम्न में से किसका है। चीफ की दावत भीम साहिनी जी का उपन्यास है, सॉरी। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो एमपी का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा, ये तो एमपीजीएस में भी पूछा जाता है कई बार। देखो, मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र जो आप लोगों का है वो नवजीवन है आप लोगों का, तो ऑप्शन ए जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न पहेली का सही उत्तर चुनिए। पहेली आप लोगों का है, एक हांडी में दो रंग का पानी। तो एक हांडी में दो रंग का पानी जो आप लोगों का, बताइए इसमें कौन सा आप लोगों का राइट आंसर होगा। एक हांडी में दो रंग का पानी है ना, देखो एक हांडी में दो रंग का पानी, अंडे को आप लोगों ने देखा होगा उसमें पीले रंग का एक भाग होता है और एक सफेद जो रहता है आप लोगों का, तो एक हांडी में दो रंग का पानी, इस तरीके से आप लोग अंडा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगला जो राइट आंसर इसमें क्वेश्चन आप लोगों का है कि सात चराई सात रंग, ढारे बैठन टोके तो एक ही रंग, तो आप लोगों का ये कौन सी चीज को इग्नोर मतलब डिनोट कर, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि सात चराई सात रंग, ढारे बैठन तो एक ही रंग, तो इसमें जो आप लोगों का है इंद्रधनुष, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो होने वाला है, इसका शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है, हालांकि हमको दिख रहा है कि क्या बनने वाला है, फिर आप लोगों को बताना है क्या बनेगा। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आप लोगों का पांचाली जो है राइट आंसर होगा, पांचाली बी वाला राइट आंसर होगा, इसमें आप लोगों का दिख रहा होगा पा आ। अब ये वाला जो हलंत लगा रहता है इसमें आधा वर्ड होता है, ठीक है, तो इस बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगला आप लोगों का चा छा झा झा जो उदाहरण है, तो कौन से व्यंजन के उदाहरण है, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से व्यंजन के उदाहरण है, थोड़ा सा बताइए। देखो 195 में जो आप लोगों का राइट आंसर है चा छा झा झा जाना स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श करके आप लोगों का जो है ए ऑप्शन होगा 190, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी ही व्यंजन होगा, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन नहीं होगा, सॉरी 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 इसके लिए नहीं। देखो चा छा डा झाड़ा छो छो झो झोड़ो, तो आप लोगों का चा बोल के देख लीजिए ना, आप लोगों को पता लग जाएगा, वी ही सही है इसका, स्पर्शी संघर्षी, देखो चा छा, तो आप लोग क्या यहाँ भी लग रहा है ऊपर भी लग रहा है, तो संघर्ष तो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो। ओके, अगला निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म के भेद अर्थ में कौन सा गलत है, तो विच इज रॉन्ग ये पूछा गया, बताइए भाई कौन सा गलत है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा युग्म भेद के अर्थ भेद में कौन सा गलत है, तो जुआ और जुआ, ताश द्वयस्थ, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा द्वयत, ठीक है। द्वयत क्या होता है कोई बता सकता है मुझे एक्सप्लेन करके, ये ताश तो आप लोग जानते हो, द्वयत क्या होता है, द्वयत
अथक और अकथ युग्म शब्द का सही अर्थवेद कौन सा होगा? सही अर्थवेद क्या होगा बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा सी, जो फाइनली आंसर ही लिखा गया था लेकिन समझाने के लिए जो अर्थवेद सही है इसलिए वो फाइनली आप लोग आसानी से कर सकते थे उसको, फिर भी बताइए प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना भयानक रहता है। निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करके लिखिएगा, बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा आप लोगों का। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द, तो इसमें जो आप लोगों का शुभेच्छु शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शुभेच्छु का समानार्थी जो आप लोगों का होने वाला है वो आप लोगों का रहेगा शुभकांक्षी, शुभ आकांक्षी। समानार्थी शब्द का चयन करना है इसमें आपको। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मालवाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या है? तो मालवाड़ी शब्द का भाई समास विग्रह क्या होगा ये बता दीजिए। मालवाड़ी शब्द का समास विग्रह, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह जब आप लोग करते हो तो इसमें आप लोगों का सी कि माल के लिए गाड़ी, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। पीछे दो क्वेश्चन रह गए हैं, ये रहे आप लोगों के। अगला क्वेश्चन इसी को बताता हूँ। क्वेश्चन है आप लोगों का, फिजूल खर्च करना बुरी आदत है। तो इसको मतलब वन वर्ड में एक तरीके से क्या कह सकते हैं वो बताइए, फिजूल खर्ची करने वाला क्या कहलाता है? नहीं, फिजूल खर्ची करने वाला नहीं, बुरी आदत है, तो आदत को क्या कहते हैं? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो अपव्यय आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। ज्यादा खर्च करने वाला है ना, फिजूल फालतू का खर्च। हाँ, जरूरत के हिसाब से खर्च करोगे तो ठीक रहेगा, इसीलिए मितव्ययी आप लोगों का एक शब्द बना है, जरूरत के अकॉर्डिंग या कम खर्च करने वाला रहता है मितव्ययी। अपना समय और अपना पैसा मितव्ययी ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, पाप मुक्त शब्द उदाहरण है। तो पाप मुक्त जो आप लोगों का शब्द है उसका उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर होगा, अपादान तत्पुरुष अवकर्ता ने कारणम के लिए अपादान से द्वारा के लिए आता है ना अपादान, तो पाप से मुक्ति, तो यहाँ पे सा आ रहा है तो अपादान तत्पुरुष है, समझ रहे हो बात को? वो आप लोगों को लाइन याद करनी पड़ेगी, कर्ता ने कर्म को कारणम से द्वारा अपादान से या के लिए, इस तरीके से आती है ना वो संप्रदान अपादान है ना, तो उसको याद करना पड़ेगी, जब जाकर के आप लोगों के ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अलग होने के भाव में आप लोगों का पाप से मुक्ति। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जिस समास में सभी पदों के बीच में और शब्द का लोप रहता है वह समास कौन सा कहलाता है? जिस समास में और शब्दों के बीच में लोप रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा होगा, इतरेतर द्वंद्व समास, ये नहीं होगा, ठीक है, इसका ये आप लोगों को एक्सप्लेन भी मिल गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा आप लोगों का सरल वाक्य है? तो बिल्कुल सही है कि ये सरल वाक्य, यह मेरी पुस्तक है, लेकिन आप लोग जो लॉजिक लगा रहे हो कि ये कर्ता है क्रिया, तो इस तरीके बहुत सारे बन सकते हैं, वह पुस्तक है तो ये सरल हो सकता है, लेकिन काफी सारे ऐसे ही बन सकता है जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो लेकिन फिर वो सरल नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है बताइए भाई, कौन सा वाच्य है? वाच्य वॉइस होते हैं आप लोगों के इंग्लिश के। तो आज्ञा दीजिए शब्द में कौन सा वाच्य जो आप लोगों का दिया गया है, आज्ञा दीजिए में जो आप लोगों का राइट आंसर दिया गया है, तो आप लोगों का कृतवाच्य जो है दिया गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अध्यायवासी का अंग्रेजी पर्याय है। तो अध्यायवासी का इंग्लिश वर्ड क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के काफी सारी मात्रा में पूछे जाते हैं, बताइए अध्यायवासी का अंग्रेजी शब्द जो आप लोगों का रहता है अध्यायवासी का, तो वो आप लोगों का क्या रहता है? सी रहता है ना, इंग्लिश का वर्ड है ये आप लोगों का। अच्छा, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द आप लोगों का कौन सा है? संशोधन के लिए क्या लगाते हैं भाई, संशोधन के लिए कौन सा लगाते हैं? हुआ कि संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द जो आप लोगों का रहता है वो मॉडिफिकेशन रहता है, वी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, और ये बहुत ही फेमस लोकोक्ति है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध। आज्ञा दीजिए, कवि कल्पनाशील होता है, तो यही आप लोगों का इसमें है राइट आंसर, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसके माध्यम से आप लोगों को ये बताना था। तो इसी के साथ आज की क्लास आप लोगों के लिए कंप्लीट की जाती है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक।